आज प्रवक्ता सोनू सोनने द्वारा नर्मदे युवा सेना के माध्यम से आजाद वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर देवास टीम के साथ जाकर विकास नगर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वीर सावरकर अमर रहे के नारों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सागरनाथ मोनू, अखिलेश सिंह तंवर, अतुल शास्त्री, रिंकेश चौहान, राजेश मालवीय आदि उपस्थित थे। भारतीय हिंदू आध्यात्मिकता में और जिस रूप से स्वतंत्रता सेनानियों ने माँ भारती की इस रक्त रंजित भूमि पर जिस प्रकार से अपने खून की रक्त रंजित अवस्थाओं को श्रमित कर जिस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए जिस प्रकार संघर्ष किया है वो हम सब के लिए बड़ा ही प्रणाम है। हम प्रणाम करता हूँ मैं सभी उन विभूतियों को जिन्होंने माँ भारती के लिए इतना संघर्ष किया। आजाद वीर सावरकर जी ने जिस प्रकार से भारतीयता के लिए, भारतीय मनुष्यता के लिए जो संघर्ष किया और हिंदुत्व के बड़े प्रवर्तक थे, राष्ट्रवाद के प्रवर्तक और हिंदू के बड़े प्रवर्तक, और जिन्होंने अपने लेखनी कार्यों से, इन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से जिस प्रकार से भारतीय मनुष्यता के अंदर आंदोलन के प्रति जो आक्रोश के साथ में आंदोलन के लिए खुद को संलग्न करने की जो भूमिका स्थापित करेगी वो अद्भुत है। उन्होंने विदेशी वस्त्रों का विरोध करा, साथ साथ में 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जिस प्रकार से उन्होंने पृष्ठभूमि में अंकित किया है वो अद्भुत था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म को अधिग्रहण किया तब उनकी उद्घोषणा थी, जब उन्होंने अपने वक्तव्य दिए थे कि अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय जिस प्रकार से जातिवाद से परेशान थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से परेशान थे, लेकिन वीर सावरकर जी ने अपने शब्दों के माध्यम से बताया कि अब ये जो है एक सच्चे हिंदू हुए हैं। तो ऐसे प्रकार की विचारधाराएं, देश के प्रति हमारे पर समर्पण और इन अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया जेल में, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से आज़ादी के लिए, माँ भारती के लिए उनका सर्वस्व, उनकी जो प्राण त्यागने तक की जो पूरी संपूर्ण भूमिका है वो अद्भुत है। मैं नमन करता हूँ उनकी पुण्यतिथि आज। मैं देश के प्रत्येक युवाओं से इस बात के लिए अनुरोध करता हूँ कि उनकी विचारधारा के अनुरूप अपने जीवन को संलग्न कर उनको अधिग्रहण करें उनकी भूमिका को, और इस माँ भारती के सर्वस्व के लिए अपने आप को समर्पित कर देश को प्रशस्त की ओर आगे बढ़ाए, विकास को आगे बढ़ाए। जय वीर सावरकर, जय मावा। कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।